मसाला छाछ बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी दही, ये फ्रेश दही है, और थोड़ा सा चाहिए हमें भुना हुआ जीरा, और 1/4 चम्मच चाहिए हमें काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच काला नमक, और 1/2 चम्मच से थोड़ा कम लेंगे हम सफ़ेद नमक, और थोड़े से पुदीने के पत्ते फ्रेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मसाला छाछ बनाना। तो मसाला छाछ बनाने के लिए मैंने लिया है ये एक मटकी की, छोटी सी मटकी। इसमें इस मसाला छाछ का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप चाहो तो इसकी जगह पर बाउल भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें दही को डाल देंगे और इस राई की सहायता से इसको हम ब्लेंड कर लेंगे इस तरह से। देखिए दही को हमने अच्छे से बिलो लिया है और इसमें बिल्कुल भी लम्स या गुठलियाँ कुछ नहीं बची, तो इस तरह से इसको निकाल लेंगे और इसमें हम ज़रूरत के अकॉर्डिंग डालेंगे पानी। मसाला छाछ तो थोड़ा पतला होता है, तो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी डालें। इसमें हमने पानी डाल लिया है, तो जो काली मिर्च का पाउडर लिया था इसे हम डाल लेंगे। इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1/2 चम्मच काला नमक और 1/2 चम्मच से थोड़ा लिया है सफ़ेद नमक, इसको भी ऐड कर देते हैं और इसे हम फिर से एक बार मिला लेते हैं। जो पुदीने के पत्ते लिए थे इसे हम इसमें काट के डालेंगे। आप चाहो तो इसको हल्का सा दरदरा पीस के भी डाल सकते हो, तो मैं इसको इसमें काट के डालूंगी। गर्मियों में मसाला छाछ पीने के लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। है ये सिंपल लेकिन बहुत ही फायदेमंद है। अब बारी आती है इसमें हम भुना हुआ जीरा डालेंगे और इसे हम एक बार मिक्स कर लेते हैं और ग्लास में सर्व कर लूँगी। इसे मैं सर्व कर लेती हूँ और मैंने सर्व करने के लिए भी मिट्टी का ग्लास लिया है, तो इसका टेस्ट इसमें और भी अच्छा आएगा। और इसे हम पुदीने के पत्ते से गार्निश कर लेंगे। लीजिए मज़ेदार हमारा मसाला छाछ तैयार है। गर्मियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।